जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में ग्रह तत्व विचार पर कि ग्रहों के तत्व से क्या विचार किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने ग्रहों से अंग विचार के बारे में बात की थी। ग्रह तत्व विचार कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है प्रश्न कुंडली में? यदि कोई हमें रोग की कुंडली मिलती है तो उसमें हमें यह देखना है कि अगर शरीर में दुर्बलता आ रही है या कमी आ रही है या विकार आ रहा है तो वो रोग जो हो रहा है किस तत्व की कमी की वजह से हो रहा है या किस तत्व की अधिकता की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए तत्वों का जानना जरूरी हो जाता है। या वर वधु की कुंडली मिला रहे हैं हम, कोई हमारे मिलान है वर वधु की कुंडली का, उसमें हम देख रहे हैं। या स्वामी और सेवक की कुंडली मिला रहे हैं, प्रश्न हमारे पास आया कि इनका स्वभाव कैसा होगा, वर वधु का स्वभाव कैसा होगा या स्वामी और सेवक का स्वभाव आपस में कैसा होगा, कितनी निभेगी इनकी आपस में, उसके लिए स्वभाव चेक करने के लिए हमें ग्रहों के तत्वों का विचार करना जरूरी हो जाता है। तो पहले हम समझते हैं ग्रहों के तत्व होते क्या क्या हैं। जैसे सूर्य अग्नि तत्व का है, चंद्र जल तत्व का है, बुध पृथ्वी तत्व का, मंगल अग्नि तत्व का, गुरु आकाश तत्व का, शुक्र जल तत्व का, शनि वायु तत्व का है इसमें, और राहु भी वायु तत्व का है, केतु आकाश तत्व में आता है। तो पहले तो हमने ग्रहों के तत्वों के बारे में जाना कि कौन सा ग्रह किस तत्व से रिलेटेड है। अब अगर हमारे प्रश्न कुंडली में अग्नि के बारे में हम समझना चाहते हैं कि अग्नि तत्व से हम क्या क्या देख सकते हैं प्रश्न कुंडली में। अग्नि क्या है? अग्नि ऊर्जा है, अग्नि उत्साह है, पराक्रम है, परिश्रम है। यदि ऐसा हमारा प्रश्न है कि जिसमें ऊर्जा उत्साह पराक्रम परिश्रम की कोई बात आती है तो हमें अग्नि तत्व के ग्रहों को देखना होगा। अग्नि तत्व के ग्रह जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य और मंगल है। इसी प्रश्न में यदि सहनशीलता की बात आती है, साहस की बात आती है, एकाग्रता की बात आती है, तब हमें इसी प्रश्न कुंडली में जो हमारे पास आएगी उसमें हमें पृथ्वी तत्व की महत्ता देखनी है कि पृथ्वी तत्व की क्या पोजीशन है, क्योंकि पृथ्वी में पेशेंस है, धैर्य है, साहस है, एकाग्रता है। तो पृथ्वी तत्व हमारे पास क्या है? बुध। बुध की कुंडली में क्या पोजीशन है प्रश्न कुंडली में, उससे हम पृथ्वी तत्व के बारे में पता लगाएंगे। यदि हमारे पास कोई चिंतन मनन का प्रश्न आता है कि उसकी जातक की कितनी शक्ति होगी चिंतन मनन में, बुद्धि का बल कितना होगा, जातक की कल्पना शक्ति कितनी होगी, ऐसा प्रश्न है तो हमें वायु तत्व को देखना होगा। अब वायु तत्व में कौन कौन से ग्रह हैं? वायु तत्व के ग्रह हैं शनि और राहु। उसकी कुंडली में क्या पोजीशन है प्रश्न कुंडली में, वहां से हमें पता लगेगा। तो तत्वों का हमारी प्रश्न कुंडली में क्या महत्व है, इसके बारे में आप जितना ज्यादा समझेंगे उतनी जल्दी आपके प्रश्न का उत्तर सामने आ जाएगा। अगली बात करते हैं जल तत्व की। यदि कोई भावुकता की बात है, संवेदनशीलता का प्रश्न है, कला का प्रश्न है, कला प्रेम जो होते हैं उनका प्रश्न है, कला प्रेमी का प्रश्न है, गीत संगीत में रुचि के बारे में कोई प्रश्न है, तो हम उस कुंडली में क्या देखेंगे प्रश्न कुंडली में, जल तत्व की क्या पोजीशन है, वहां से हम अपना रिजल्ट निकालेंगे कि हमें अपना कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि कौन सी चीज कहां पर लगेगी, उसको उस हिसाब से वहां से ढूंढकर वहां बिठा देंगे और जातक को तुरंत उसका आंसर कर देंगे। यदि आकाश तत्व के बारे में कोई प्रश्न आता है, जैसे जातक उदार प्रवृत्ति का है, त्यागी प्रवृत्ति का है, परोपकारी प्रवृत्ति का है, उन्मुक्त है, ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने आता है प्रश्न कुंडली में, तब हमें क्या देखना है, आकाश तत्व को देखना है। आकाश तत्व में क्या क्या देखेंगे हम? गुरु को देखेंगे और केतु को देखेंगे। इस प्रकार हम ग्रहों के तत्वों को कैसे अपने प्रश्न कुंडली में लगाकर उसका उत्तर कर लेंगे यह समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे ग्रहों में स्त्री पुरुष का विचार कैसे किया जाता है।